हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेस फॉर आइल्स एंड पीटीई। आई एम मीनाक्षी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रीडिंग मॉड्यूल। आपके जो ये क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर पर आपके रीडिंग सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियर अराउंड आपके पास ये एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आप इन क्वेश्चन को एक और नेम से जानते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इनको करने में क्या ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पूरे पैसेज को एक बार रीड करके इसकी सेंस को फाइंड आउट करना है कि आप सेंस को समझ लो, उसके बाद आप इसमें ऑप्शन को फिल करो। एक होता आपके पास एलिमिनेशन मेथड कि फर्स्ट पैसेज को रीड करके आपको जो लग रहा है कि हाँ ये इजी है, यहाँ पर ये आंसर हो सकता है, उसको फिल करो। जो बाकी के आपके पेंडिंग में होंगे उनमें से आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो। जो आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बिल्कुल फिट है, सो उसको वहाँ पर आप ड्रॉप कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। इन जियोग्राफिकल टर्म्स द पुशफुल फैक्टर्स। अब यहाँ पर पुशफुल फैक्टर की बात चल रही है, साइंस का टॉपिक है। फैक्टर्स ड्राइव पीपल अवे फ्रॉम अ प्लेस। कि जो पुशफुल फैक्टर में जो ड्राइव होता है वो क्या करता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है। एंड ब्लैंक पीपल टू अ न्यू लोकेशन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि पीपल को क्या कर रहा है, वो एक नई लोकेशन पर भेज रहा है, नई लोकेशन की साइड भेज रहा है। अब आपको देखना है यहाँ पर पुश। पुश मीन्स आपका होता है किसी भी चीज़ को धकेलना फोर्स से, और पुल का मीन्स होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और यहाँ पर देखो, पुशफुल फैक्टर्स को ड्राइव किया है कि जो ड्राइव है वो क्या कर रहा है, लोगों को दूर भेज रहा है, मतलब पुश कर रहा है। तो ये आपका सिनोनिम है पुश के लिए। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास पुल के लिए, पुल का सिनोनिम। पुल का मीन्स होता है आपका अट्रैक्ट करना। सो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास ऑप्शन, वो आएगा पुल का सिनोनिम। यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन में इमिग्रेट। इमिग्रेट मीन्स आपका होता है कि कोई भी ऐसा, मतलब किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमारा जाना, होता है हमारा इमिग्रेट। नेक्स्ट आपका फोर्सफुल कि जबरदस्ती। अब ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि फोर्स तो यहाँ पर हो चुका है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को भेज चुका है, एक जगह से दूर भेज चुका है। सो फोर्स तो यहाँ पर ड्राइव की सेंस है। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स आपका होता है कुछ भी चीज़ ड्रॉइंग करना, और एक होता है कि किसी भी चीज़ की तरफ आपका अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट की सेंस में ये आपका सिनोनिम होता है, ये में भी हो सकता है। ड्रैग मीन्स किसी चीज़ को भेजना होता है, मूव होना होता है, लेकिन होता है जबरदस्ती आप किसी एक चीज को एक दूसरी जगह पर आप उसको छोड़ते हो, तो वो होता है आपका ड्रैग। नेक्स्ट आपका डिटरमिन। डिटरमिन का मीन्स होता है कि फाइंड आउट करना कुछ भी। नेक्स्ट आपका फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मीन्स होता है बहुत ही इंप्रेसिव या फिर बहुत ही पावरफुल। सो नेक्स्ट आपका शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपका चले जाना। अब यहाँ तो पहले ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, तो ये भी नहीं आएगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास ड्रॉ आएगा हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे वाली लाइन को रीड करते हैं यहाँ से। दे हेल्प ब्लैंक माइग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन फ्रॉम वन लैंड टू अनदर। कि वो हेल्प करते हैं लोगों का एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब हमें देखना पड़ेगा। इमिग्रेट, वो माइग्रेशन तो उनका हो ही रहा है, सो इमिग्रेट नहीं आएगा। फोर्सफुल, अब फोर्सफुल की यहाँ पर कोई सेंस नहीं है कि जबरदस्ती माइग्रेशन तो हो चुका है, दे हेल्प थोड़ी ना करेंगे जबरदस्ती माइग्रेशन करने में। नेक्स्ट ड्रॉ आपका जा चुका है। नेक्स्ट आपका है ड्रैग, ये भी नहीं आएगा, खींचना। फिर आपका है डिटरमिन, पता लगाने में। अब हेल्प किस लिए करते हैं, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में, रीज़न पता करने में कि क्यों है वो चीज़। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा डिटरमिन। सो यहाँ पर हमारा आएगा डिटरमिन। नेक्स्ट रीड करते हैं। अब पुश फैक्टर्स आर ओफन। अब पुश फैक्टर की बात है, आर ओफन कि क्या अक्सर क्या होता है, डिमांडिंग। अब देखो वो डिमांड रखता है, नेगेटिव सेंस आ गई यहाँ पर कि वो डिमांड रख रहा है। दैट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लीव वन कंट्री फॉर अनदर। कि वहाँ के लोग हैं किसी और की वजह से उस कंट्री को छोड़ दें। सो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, देखो पुश फैक्टर आर ओफन, क्या होता है वो, अब जबरदस्ती डिमांड रख रहा है तो नेगेटिव सेंस है, और यहाँ पर नेगेटिव सेंस आपकी एक ही वर्ड की आती है,
फोर्सफुल की, कि वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है कि वहां से एक पर्सन है वो वहां से चले जाएं। नेक्स्ट लाइन को रीड करो। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पुल फैक्टर्स की बात है। पुल फैक्टर जो अट्रैक्ट करता है वो क्या, ऑन द अदर हैंड आर ऑफन द पॉजिटिव पॉलिसीज। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव पॉलिसी अच्छा होता है, दैट इनकरेज पीपल टू, इनकरेज करता है लोगों को, अपनी बातों में लेकर आता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, पीपल टू ब्लैंक इन ऑर्डर टू सीक अ बेटर लाइफ। अब यहाँ पर आपके पास क्या होती है, टू के बाद ऑलवेज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंस है, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ कि वो लोग वहाँ पर आएं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में और क्या करें, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। सो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है एक कंट्री से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, वो होता है हमारा इमिग्रेट। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा इमिग्रेट। क्लियर। अब इसमें आपने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एज नॉर्मली यूज टुडे, कि अगर हम आज की बात करें, द फ्रेज कॉमन गुड। अब कॉमन गुड जो हमारी नेसेसिटी होती है डेली की, वो हमारे कॉमन गुड्स में आएंगे। रेफर टू दोज फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशंस दैट ऑल और मोस्ट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी अग्री और नेसेसरी टू ब्लैंक सर्टेन इंटरेस्ट दे हैव इन कॉमन, कि जो कॉमन गुड हैं उनके अंदर हमारी वो फैसिलिटीज आती हैं जो हर एक कम्युनिटी का मेंबर है या फिर उसकी नेसेसिटी नीड है कि ये उसके पास होने चाहिए। सो यहाँ पर अब देखो ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, ऑप्शंस में है एम्फल, एम्फल का कि कोई भी चीज़ लार्ज इनफ अमाउंट में हमारे पास होना। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बियंट, एम्बियंट आपका एक एडजेक्टिव होता है, एम्बियंट का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जो चारों तरफ से किसी चीज़ को सराउंडिंग कर रही हो, जैसे कोई भी एरिया होता है हमारा। अब आगे हमारा बेसिक, बेसिक सी नीड है जो भी हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास है एश्योर, बिल्कुल पक्का श्योर कर देना कि हाँ ये चीज़ तो यही है, बिल्कुल विश्वास दिला देना हमें प्रॉपर। आगे सर्टेन की निश्चित होना आपका। नेक्स्ट आपका सेटिस्फाई की संतुष्ट कर देना, तो यहाँ पर देखो सर्टेन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर एम्फल किसी लार्ज अमाउंट की बात नहीं करी, उन्होंने साफ बोल रखा है कि सबके इंटरेस्ट होते हैं, सबकी नीड होती है, नेसेसिटी होती है सबकी। सो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, देखो कि कॉमन गुड्स उनको बोलते हैं जो आपकी सबकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सभी मेंबर क्या करते हैं, कम्युनिटी के मेंबर अग्री करते हैं और ज़रूरी भी होती हैं टू। अब यहाँ पर टू आया तो यहाँ पर क्या आएगा, कोलोकेशन भी है, टू सेटिस्फाई सर्टेन इंटरेस्ट दे हैव इन कॉमन, उनकी जो इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा सेटिस्फाई। नेक्स्ट है ए फ्यू ऑफ द थिंग्स मेकिंग अप द कॉमन गुड इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी माइट इंक्लूड, कि कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन गुड हैं हमारी, जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी, हमारा मॉडर्न जो लोकतंत्र है उसमें माइट इंक्लूड, कि कुछ शामिल करती हैं। अब राइट्स, कौन से राइट, क्या एम्फल राइट, हमारे नॉर्मल मॉडर्न कॉमन गुड की बात चल रही है, तो यहाँ पर हमारे जो ज़्यादा इनफ अमाउंट में कोई चीज़ बात हो ही नहीं रही है किसी की। यहाँ पर है इंक्लूड राइट्स एंड फ्रीडम्स पोलिश एंड पब्लिक सेफ्टी एंड सेफ। अब ये हमारी क्या है, सभी की बेसिक नेसेसिटी है ना, बेसिक नीड है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, बेसिक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखो राइट्स एंड फ्रीडम्स पोलिस एंड पब्लिक सेफ्टी एंड सेफ एंड ब्लैंक फूड सप्लाई। अब कौन सी फूड सप्लाई, कितनी फूड सप्लाई चाहिए हमें, एम्फल, कि हमें एक लार्ज अमाउंट में हमारे पास इतना होना चाहिए कि जितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो, इनफ हो, जितना हमारे लिए उतनी हमें फूड की सप्लाई चाहिए। बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन, इसमें आपके पास सामने आपको यूज़ करना है कि इनके मीनिंग्स भी आपको क्लियर होने चाहिए वोकैब के, कि तभी आपको इस पैसेज को इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, यहाँ से रीड करो। फॉर मैनी पीपल ब्रेकफास्ट इज द डेज लीस्ट एक्साइटिंग मील,
कि जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा, बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, वो लीस्ट एक्साइटिंग होते हैं इस मील को करने के लिए। कोई भी रेडी ईजिली नहीं करता, सबको लगता है कि ये बोरिंग है। आर ब्रेकफास्ट चॉइस फ्रिक्वेंटली, कि जो हमारी ब्रेकफास्ट चॉइस है वो कैसी होती है, फ्रिक्वेंटली ब्लैंक। यूटिलिटेरियन नीड्स, कि यूजफुल नीड होती है हमारे लिए, ज़रूरी होता है सुबह का खाना हमारे लिए। फूड्स एट ब्रेकफास्ट आर ब्लैंक सिंपल क्विक एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड ईट, कि ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ईजी बन जाए और आपका आसानी से आप उसको खा सको। एंड वैल्यूड फॉर द कैलरीज बूस्ट दैट ब्लैंक द बॉडी एंड ब्रेन आफ्टर अ नाइट्स रेस्ट, और वो कैलरी भी देने वाला होना चाहिए, कैलरी को एकदम से बढ़ा देने वाला होना चाहिए। बूस्ट का मतलब होता है एकदम से इंक्रीज करने वाला। दैट ब्लैंक द बॉडी एंड ब्रेन आफ्टर ए नाइट्स रेस्ट, कि बॉडी और ब्रेन कैसा फील करे हमारा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, पहले हम इसको करेंगे कि ऐसा खाना होना चाहिए जो क्या करे, बॉडी और ब्रेन आफ्टर नाइट रेस्ट कैसा फील करें। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है आपका रिवाइव्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब तो होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें चेंज कर देना, प्रभावित कर देना। आपका रिवाइव्स का मीन्स होता है आपका तरोताज़ा कर देना उसको। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास कि जो वैल्यूड फॉर द कैलरी बूस्ट दैट रिवाइव्स द बॉडी एंड ब्रेन नाइट रेस्ट, कि हमारी बॉडी को और जो हमारा ब्रेन है उसको तरोताजा कर देगा। सो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिवाइव्स। सो यहां पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा रिवाइव्स। अब नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हेन फाइंड एट ब्रेकफास्ट ऑप्शन दे लाइक, कि जब कोई भी लोग हैं वो अपने ब्रेकफास्ट को अपने ऑप्शन के तौर पे पाते हैं, अपनी पसंद का पाते हैं। दे ब्लैंक स्टिक विद इट डे आफ्टर डे साइंटिस्ट हैव फाउंड, जब वो अपने ऑप्शन के तौर पे पाते हैं तो दे वो क्या करते हैं यहाँ पर आम तौर पर उसके साथ डेली उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो देखो, अब फर्स्ट है रिफ्लेक्ट्स, कि क्या वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है हमें जो इस चीज़ की नीड है। नेक्स्ट होता है हमारा टिपिकली, टिपिकली होता है थोड़ा सा आपका जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कनेक्ट, अब कनेक्ट तो यहाँ पर कोई चीज़ हो नहीं रही सो ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे रेशनली, अब हम उसको डिवाइड तो कर नहीं रहे, ना ही हम इसको देख रहे ना ही उसको देख रहे, दो चीज़ में कंपेरिजन तो कर ही नहीं रहे, ना ही हम उनको बांट रहे हैं। नेक्स्ट आपका जनरली, कि आम तौर पर बिल्कुल सिंपल साधारण तौर पर जब वो उसको अपने खाने को पाते हैं। इग्नोर्स, इग्नोर्स हमारा बिल्कुल आएगा ही नहीं यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा जनरली, कि जब वो अपने खाने को आमतौर पर वैसा पाते हैं तो वो क्या करते हैं स्टिक हो जाते हैं उसके साथ। अब ये नेक्स्ट यहाँ से रीड करो कि ब्रेकफास्ट आर फूड्स एट ब्रेकफास्ट आर सिंपल भी होना चाहिए, क्विक भी होना चाहिए एंड ईजी टू प्रिपेयर एंड ईट। अभी हम अपने अकॉर्डिंग चॉइस मांग रहे हैं कि जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो सिंपल भी होना चाहिए और क्विक भी होना चाहिए, जल्दी बनने वाला होना चाहिए और इजी टू प्रिपेयर होना चाहिए और ईट भी अच्छे से होना चाहिए और उसमें से हमें कैलोरी भी मिलनी चाहिए। अभी हमारी सारी डिमांड्स हैं, सो इनके लिए हम जो वर्ड करते हैं ब्रेकफास्ट आर। अब यहाँ पर वर्ड आएगा एक टिपिकली, कि हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ का होना। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा टिपिकली। अब यहाँ पर देखो फॉर मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट इज़ द डेज लीस्ट एक्साइटिंग मील, कि बहुत कम लोग इसमें करने में एक्साइटेड हैं। और ब्रेकफास्ट चॉइस फ्रिक्वेंटली, कैसी होनी चाहिए, अब यहाँ पर प्रभावित करने वाली होनी चाहिए हमारी यूजफुल नीड्स को, उनको इफेक्ट डालना होना चाहिए। सो अब यहाँ पे कनेक्ट भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, कनेक्ट तो होगा नहीं हमारा, कि उनको कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। रेशनली, बांटने वाला नहीं होना चाहिए। इग्नोर्स, इग्नोर्स करने वाला नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास रिफ्लेक्ट, कि उनको जो हमारी नीड है उनको पूरा करने वाला होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास एग्जाम्पल फोर है, अब यहाँ पर रीड करो, द प्रेजेंस और ब्लैंक ऑफ DNA एविडेंस एट अ क्राइम सीन कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन अ गिल्टी ब्लैंक एंड एन एक्विटल। अब यहाँ पर देखो, जब भी हमारे पास ब्लैंक में और वर्ड आता है तो जब भी ऐसा होगा तो और के बाद आपका जब भी कोई वर्ड होगा उसकी साइड देखने से नेक्स्ट साइड जो होगा वो आपका अपोजिट वर्ड होता है। सो यहाँ पर वर्ड है प्रेजेंस, अब ऑप्शन में देखो कि हमारे पास प्रेजेंस का अपोजिट वर्ड है कि नहीं है। सो
द प्रेजेंस और ब्लैंक ऑफ डीएनए एविडेंस एट अ क्राइम सीन, उसके एविडेंस होते हैं क्राइम सीन के, कुड मीन द डिफरेंस, अब वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पर देखो प्रेजेंस और, सो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो यहाँ पर देखो ये रहा अबसेंस, कि उसकी अबसेंस होना. द प्रेजेंस और अबसेंस ऑफ डीएनए एविडेंस एट अ क्राइम सीन कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन अ गिल्टी ब्लैंक एंड एन एक्विटल. एक्विटल मतलब होता है कि कोई भी, बिल्कुल कोई भी शर्मिंदगी नहीं होना किसी भी बात पे अपना, कोई भी डिसीजन पर. और यहाँ पर है बिटवीन अ गिल्टी, गिल्टी अब यहाँ पर हमें मीनिंग नहीं पता कि आपका कौन कौन सा मीनिंग है. अब देखो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है आपका डिसीजन लेना. कम्युनिकेबल कि वो बात करने लायक हो. इनहेरेंट होता है जन्मजात भी होता है आपका. नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व होना कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी. फिर आपका एनॉर्मस, अब एनॉर्मस हमारा अमाउंट के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट आपका जेनेटिक, जेनेटिक होता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी, आपके जेनेटिक गुण भी होते हैं जिसमें जीन्स वगैरह होते हैं आपके, गुण सूत्र वगैरह होते हैं सब आपका, ये होता है पूरे बिल्कुल अनुवंशिकता से रिलेटेड, जैसे जन्म से रिलेटेड होता है. अब आपका यहाँ पर देखो बिटवीन अ गिल्टी, अब हमें नहीं श्योरिटी की कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा. सो नेक्स्ट करते हैं. पहले डीएनए इज सो इम्पोर्टेंट, कि जो डीएनए होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट हैज स्पेंट, कि जो तो गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है उसके ऊपर स्पेंट कर रही है अमाउंट ऑफ मनी. अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि एनॉर्मस, ये आपको होता है यूज मनी के लिए. सो यहाँ से हमें हिंट मिल गई कि यहाँ पर हमारा हो सकता है एनॉर्मस अमाउंट. कम्युनिकेबल अमाउंट नहीं हो सकता, कि अमाउंट हमसे बात कर सकता है ये नहीं होगा. जन्मजात अमाउंट भी नहीं होता हमारा, मनी का कोई अस्तित्व भी नहीं होता. सो यहाँ पर हमारे पास आएगा वर्ड एनॉर्मस, कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ से आएगा हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट देखो अनरिवल ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन द ह्यूमन जीनोम इन होप्स. अब वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं उसको रिवील करने के लिए, सामने लाने के लिए, कि ये जो डीएनए है ये किसका है, उसमें किसके जीन्स हैं, किस होप्स में, किस उम्मीद में, ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग क्योर्स फॉर मैनी ब्लैंक डिजीज. अब काफ़ी सारी डिजीज का इलाज, क्योर्स मीन्स होता है ट्रीटमेंट करना. सो किस चीज़ की डिजीज होंगी आपकी, अब वर्डिक्ट होता है कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी ऐसी मतलब कोई राय किसी की, किसी से कुछ भी पूछना, कोई ऑफिशियल तौर पर आपका जो डिसीजन होता है वो. नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेबल, अब यहाँ पर कोई कम्युनिकेबल डिसीज तो है नहीं, ये भी गया. एग्जिस्टेंस डिसीज भी नहीं आएगा. अब इनहेरेंट में और जेनेटिक्स में से आपका एक हो सकता है. अब ये होती है कि जन्मजात डिसीज जो सिर्फ जन्म से रिलेटेड हो, बट डीएनए से तो आपके जीन वगैरह भी मैच करते हैं और फिजिकली भी सब कुछ आपकी मैचिंग हो जाती है. सो यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड आएगा वो आएगा हमारे पास जेनेटिक, मैनी जेनेटिक डिजीज. नेक्स्ट अब देखो हमारे पास ये रहा यहाँ पर कि जो डीएनए एविडेंस होते हैं एट अ क्राइम सीन कुड मीन द डिफरेंस बिटवीन अ गिल्टी, कि गिल्टी के बीच में डिफरेंस कर देते हैं एंड एन एक्विटल, जिसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी ना हो. सो जिसके ऊपर कोई भी मतलब किसी को कोई भी पछतावा ना हो, वो वाला वर्ड होता है ये बिटवीन अ गिल्टी. अब यहाँ पर आएगा आपके पास वर्डिक्ट, कि गिल्टी डिसीजन की सेंस में आपका वर्डिक्ट का मीनिंग जाता है, कि यहाँ पर कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर गिल्टी होना और जो किसको कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती उनके बीच में आपका डिफरेंस फाइंड आउट करता है. मीन्स कोई क्राइम कर देता है लेकिन एक दूसरा होता है जो क्राइम करने के बाद भी अपने आप को सामने से गिल्टी फील ना करे. क्लियर. अब ये आपकी ट्रिक थी कि यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंस में और में अबसेंस, अदरवाइज आपको इसमें सेंस को और कोलोकेशन को फाइंड आउट करना होता है. जहाँ पर भी आपकी किसी भी पैसेज में ट्रिक आएगी वो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हमने ये ट्रिक को फॉलो किया है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, लास्ट एग्जाम्पल है आपका ये है. अब है टाइनी लिविंग मशीन्स, अब लिविंग मशीन्स की बात चल रही है, मेड ऑफ फ्रॉग सेल्स, कि फ्रॉग सेल्स की बनी हैं, कैन ब्लैंक देम सेल्व, अब कैन क्या कर सकती हैं वो,
सर्वाइव कर सकती हैं? सर्वाइव तो नहीं आएगा, वो तो मेड कर रखी है हमने, लिविंग मशीन्स हैं तो सर्वाइव तो करेंगी। नेक्स्ट है इनसाइड, क्या वो सोच सकती हैं? नेक्स्ट होता है आपका रेप्लिकेट, मतलब एक चीज़ की कॉपी कर देना। ऑपरेट, स्टार्ट करना अपने आप। ब्रेक थ्रू, कोई भी डिस्कवरी करना। प्रोडक्ट, अब कोई चीज़ यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ है तो है नहीं, किसी भी चीज़ कोई प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है कैन प्रोडक्ट, अब कैन प्रोड्यूस होता तो भी हम मान लेते, प्रोडक्ट थोड़ी ना मान वो आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है इंटरफेयर, क्या जो फ्रॉग सेल्स हैं कैन इंटरफेयर देम सेल्व के लिए, खुद के लिए तो वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, किसी और के लिए इंटरफेयर करते हैं ना हम, तो यहाँ पर वो क्या आएगा, इंटरफेयर भी नहीं आएगा। सो ये ऑप्शन भी कट हो गया। सो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, मेड ऑफ फ्रॉग सेल्स कैन ब्लैंक देम सेल्स। अब यहाँ पर हमें नहीं पता चल रहा कि वो क्या करती है, तो नेक्स्ट पैसेज की नेक्स्ट लाइन को रीड करेंगे। मेकिंग कॉपीज, क्या करती हैं, कॉपीज बनाती हैं दैट कैन देन गो ऑन टू डू द सेम, बिल्कुल अपने जैसी सेम कॉपीज बनाना। सो यहाँ से हमें क्या मिला, डू द सेम। अभी सेम से और इस कॉपीज से हमें क्या पता चला कि जो लिविंग मशीन्स है वो फ्रॉग सेल से क्या करती हैं, खुद को कॉपी बनाती हैं, मतलब यहाँ पर आएगा आपका रेप्लीकेट, मीन्स कि वो खुद की कॉपी बना रही हैं। अब नेक्स्ट लाइन को रीड करो, दिस न्यूली डिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूअल ऑफर्स अ न्यू, कि एक न्यू क्या दे रही हैं, ब्लैंक इनटू, हाउ टू, अब सर्वाइव इनटू होता है, सर्वाइव नहीं इनटू नहीं होता। अब आगे आपका इनसाइट, मे बी हो सकता है, अभी हम इसको नहीं करेंगे, देखो यहाँ से करो, दिस न्यूली डिस्क्राइब्ड, कि जो न्यूली हमने खोज की है, फॉर्म ऑफ रिन्यूअल ऑफर्स अ न्यू, क्या देती है हमें, कुछ ना कुछ दे रही है नया कुछ करने के लिए। इनटू हाउ टू डिज़ाइन बायोलॉजिकल मशीन्स, कि हम कैसे बायोलॉजिकल मशीन्स का डिज़ाइन करें, दैट आर सेल्फ परपिचुएटिंग, मतलब कि वो खुद काम करें, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, हमें कुछ ना करना पड़े। सो यहाँ पर जो देखो, अब क्या चीज़ करनी है हमने, एक चीज़ को सोचना है कि ऑफर्स अ न्यू। नेक्स्ट देखो पहले लाइन, दिस इज एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग, ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटिंग है। ब्लैंक रोबोट्स दैट कैन कॉपी देमसेल्व्स, अब रोबोट्स की बात आ गई, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वो जो मशीन है वो रोबोट हो सकती है ना। सो हमारी जो ये क्या होगी आपकी एक्साइटिंग, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू हमारे यहाँ पे जा सकती है, एक्साइटिंग डिस्कवरी है, एक सिंगल की बात है ना, दिस इज एन इनक्रेडिबली एक्साइटिंग ब्रेक थ्रू। अब सिंगल ही ये है हमारा, सिंगुलर ब्रेक थ्रू, कि एक ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है डिस्कवरी होना। नेक्स्ट है रोबोट्स दैट कैन कॉपी देमसेल्व्स, अब आया ना यहाँ पे देखो कॉपी, यहाँ पर भी कॉपी, रेप्लीकेट का मतलब वो कॉपी कर सकते हैं, कैन, अब कैन था, कैन यहाँ पर है आपका कॉपी, सो कॉपी को आपका वर्ड होता है रेप्लीकेट। कॉपी देमसेल्व्स आर एन इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड सिस्टम्स दैट डोंट नीड, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा आगे सिस्टम की तरफ, दैट डोंट नीड ह्यूमंस टू, अब टू के बाद आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी एक ही है ऑपरेट, जिसको ह्यूमन को क्या करने की, ऑपरेट करने की, चलाने की नीड नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा हमारा ऑपरेट। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हमारे पास था दिस न्यूली डिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूअल ऑफर्स अ न्यू ब्लैंक इनटू, अब क्या यहाँ पर इंटरफेयर आएगा हमारा, न्यू इंटरफेयर, कोई न्यू इंटरफेयर होता है, रिन्यूअल ऑफर्स अ न्यू प्रोडक्ट, अब उसने हमें प्रोडक्ट थोड़ी ना वो दिया है, उन्होंने हमें दिया है हाउ टू डिज़ाइन बायोलॉजिकल मशीन, उन्होंने तो बोल रखा कि वो बायोलॉजिकल मशीन बनाने वाले हैं, कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना बनाना है हमने, ऑफर्स अ न्यू प्रोडक्ट कि बिल्कुल फ्रेश दिया हमने उन्होंने हमें। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सर्वाइव, अब सर्वाइव यहाँ पर कोई लिविंग उसकी बात तो चल नहीं रही कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचता है इनसाइट, अब इनसाइट का मीन्स होता है आपका सोचना, अपना डिसीजन लेना कि यहाँ पर ये हमने सोचना है, न्यू इनसाइट, अपनी नई सोच को जगाना है कि कैसे हम एक डिज़ाइन करें बायोलॉजिकल मशीन्स को, और जो अपने आप काम करे, खुद डिपेंडेंट हो, उसका लिए हमें कुछ भी करने की नीड ना पड़े।
ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल.